की नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं जो कि 22 सितंबर यानी कि कल आई हैं और 23 सितंबर यानी कि आज से अप्लाई होंगी। तो क्या है गाइडलाइंस और क्या है आप लोगों के लिए खुशखबरी, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप उत्तराखंड का प्लान बना रहे थे अभी तक और किसी ना किसी वजह से रुके हुए थे टूरिज्म के लिए या उत्तराखंड आने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको लग रही थी कि होटल बुक हो गए या नहीं होंगे, होटल बुकिंग करवानी है, एडवांस करवानी है, फिर होटल में एंट्री होगी या नहीं हो पाएगी, COVID-19 रिपोर्ट लानी है, एंटीजन लानी है या रैपिड टेस्ट चलेगा, या फिर ई पास तो करवाना ही करवाना है। काफी सारे क्वेश्चन थे आपके दिमाग में और जिसके चलते आप लोग रुक भी रहे थे उत्तराखंड आने से। लेकिन अब आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, उत्तराखंड गाइडलाइंस आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो अनलॉक 4 के अंतर्गत राज्य सरकार ने पर्यटकों को उत्तराखंड आने में आ रही बाधाओं के बीच राहत दी है। और जो बाधाएं आ रही थी वो थी बेसिकली COVID-19 रिपोर्ट को लेकर, और उसके अलावा जो थी वो थी होटल बुकिंग्स को लेकर। तो इन दोनों ही मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं। अब सरकार ने पर्यटकों के बनाए गए नियमों में काफी छूट दी है और ये नए नियम अब 23 सितंबर से लागू होंगे, यानी कि आज 23 सितंबर है, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आज से ही ये नियम आपके लागू हो जाएंगे। तो ये मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा आदेश है, उत्तराखंड आने वाले सभी पर्यटकों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पे अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा, यानी कि जो आपका ई पास है, जो रजिस्ट्रेशन है आपका, आप उसको ई पास बोलिए या आप उसको रजिस्ट्रेशन बोलिए, वो तो आपका मैंडेटरी है और वो अभी भी आपका मैंडेटरी ही रहेगा। जो रिलैक्सेशन मिली है वो कोविड और होटल बुकिंग को लेकर मिली है। सरकार ने राहत देते हुए उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को होटल या होमस्टे में 2 दिन की जो अनिवार्य बुकिंग का नियम लगाया था, जिसे सरकार ने अब वापस ले लिया है। तो इससे पर्यटकों का काफी छूट मिली है, वो बिना बुकिंग के भी उत्तराखंड आ सकते हैं। और COVID-19 को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बिना कोरोना रिपोर्ट के भी होटल में वो होमस्टे में एंट्री का नियम बना दिया है। तो जो होटल प्रबंधक है उनको थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी, सैनिटाइजिंग करवाना होगा और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा सभी प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे, तभी जो होटल है, होमस्टे है, उन सभी को इसी बात पे, इसी शर्त पे जो है मंजूरी दी गई है ओपन करने की। तो इसके अलावा होटल प्रबंधक सुरक्षा हेतु निजी लैब संचालकों के साथ मिलकर और पर्यटकों की ओर से बढ़ने की टेस्टिंग व्यवस्था भी कर दी गई है। अब आप बोलेंगे ये न्यूज का प्रमाण क्या है, एविडेंस क्या है, क्योंकि उत्तराखंड फैसले काफी जो कमेंट्स में मुझे मिलते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट का फैसला आज कुछ है कल कुछ है, जब तक हम नहीं आते हैं तब तक भरोसा नहीं होता। तो चलिए देखते हैं आप ऑफिशियल नोटिस। ये ऑफिशियल नोटिस जो है ये आया है, ये 22 सितंबर यानी कि कल का आया है और COVID-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु ये आया है। चलो अब इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि स्मार्ट सिटी देहरादून .uk.government.in पर ये मैंडेटरी है ई पास के लिए। दोस्तों ई पास मैंडेटरी है, लेकिन अभी भी जब आप वहां पर टूरिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे अभी होटल की बुकिंग आ रहा है, तो आप पर्सनल या फैमिली विजिट सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास रहने के लिए प्रबंध है, या फिर थोड़ा वेट कर सकते हैं कि जब होटल वाली बुकिंग वाला ऑप्शन वहां से हट जाएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे स्मार्ट सिटी देहरादून .uk.government.in पर आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो रिक्वायरमेंट थी मिनिमम 2 डेज की, वो अब नहीं है अप्लाईकेबल, ये भी हम बात कर चुके हैं। होटल में जो चेक इन के लिए आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए थी वो भी अब खत्म हो चुकी है, ये भी हमने बात कर ली। और अब है कि फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर कोई टूरिस्ट कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो होटल मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिन को इमिडिएटली इन्फॉर्म करेगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिन अरेंजमेंट करेगा रैंडम चेक्स के लिए, ताकि एंश्योर हो चुके कि कंप्लायंस जो MHA के या MOHFW के वो होटल मैनेजमेंट और होम स्टे ओनर्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ये ऑर्डर जो है, एक 19 सितंबर को एक गाइडलाइंस आई थी उसके रिलेटेड ये ऑर्डर लाया गया है, डायरेक्शन रिलेटेड टू द टूरिस्ट, तो उसके रिलेटेड है ये जो भी पांचों पॉइंट हमने देखे D1 से लेकर D5 तक, और ये ऑर्डर आज से ही चालू हो गया है, ये ओम प्रकाश द्वारा जारी किया गया है जो कि मुख्य सचिव और मुख्य कार्यधारी अधिकारी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में है इतना ही, इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो अटैच कर दूंगी जिसमें कि आपको हम बताएंगे कि आप कैसे देहरादून की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलो नई साइट आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको ई पंजीकरण आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपने रजिस्टर किया है, और रजिस्टर आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसमें 2 टैब आपके ओपन होंगे, एक होगा उत्तराखंड आने के लिए और एक होगा उत्तराखंड से जाने के लिए।
तो दोनों ही केसेस में आपको अप्लाई करना जरूरी है। हालांकि जब आप उत्तराखंड से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो इतनी डिमांड नहीं है, तो नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आप जाते टाइम नहीं पूछा जाता। और बाकी ज्यादातर स्टेटों में कहीं पर भी ई पास का या कुछ ऐसा नहीं है रेस्ट्रिक्शन, तो ये सिर्फ उत्तराखंड में ही है, तो इसलिए ये पूछा नहीं जाता है। नेट थोड़ा स्लो है, ये ओपन होने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये साइट। ये देखिए, रजिस्टर करना है टू एंड फ्रॉम, ये वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट टाइप, आपको यहाँ पर ये पूरा फॉर्म फिल करना है। उससे पहले आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पर ही आपको लिंक आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाती है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद यहां से भी आप प्रिंट ले सकते हैं। आपको बस टू और फ्रॉम या विद इन के लिए सेम ही फॉर्म आपको फिल करना है। तो रिक्वेस्ट टाइप में आप डालेंगे कि आप उत्तराखंड आ रहे हैं, उत्तराखंड से जा रहे हैं या इंटरस्टेट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट की, तो उत्तराखंड आने की, तो मैंने सेलेक्ट किया है कमिंग टू उत्तराखंड। मोड ऑफ ट्रैवल, आप कैसे आ रहे हैं, अपना टू व्हीलर है, कार है, गुड्स व्हीलर है, ट्रैक्टर, टैक्सी, एग्रीकल्चर व्हील, बाय ट्रेन, बाय एयरवेज, बस, विदाउट व्हीकल, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं सेलेक्ट। मान लीजिए आप अपनी कार से आ रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। फिर आगे है रजिस्ट्रेशन कैटेगरी कौन सी है, आप ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पर टूरिस्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको सब कैटेगरी में आप कम से कम 3 दिन के लिए आ रहे हैं या आप उत्तराखंड घूमेंगे, कम से कम सॉरी 7 दिन के लिए आप विजिट करेंगे उत्तराखंड, या आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है, तो टेस्ट रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, ये फॉर्म इनका अपडेट हो जाएगा। आप मान लीजिए कम से कम 7 दिन के लिए आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 7 दिन सेलेक्ट कर दिया। कब आप आ रहे हैं तो वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपके पास रिपोर्ट है या नहीं, तो नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है। आप आउट ऑफ इंडिया आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो यस, नहीं है तो नो पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रेवलिंग फ्रॉम, कौन से स्टेट से आप आ रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं से भी आ रहे हैं, मान लीजिए आप गुजरात से आ रहे हैं, तो गुजरात में कौन से एरिया से आ रहे हैं, किसी भी एरिया से, मान लीजिए राजकोट, तो प्रेजेंट सिटी में आपको वही वापिस से राजकोट आपको फिल करना होगा, और यहाँ पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ट्रैवलिंग टू, कहाँ पर आपको जाना है, मान लीजिए आपको जाना है देहरादून ही, तो मैंने देहरादून सेलेक्ट किया। अर्बन जाना है, रूरल जाना है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए अर्बन जाना है तो अर्बन पर क्लिक कर दिया, अर्बन में लोकल बॉडी मान लीजिए मसूरी आपको जाना है, मान लीजिए आपने वार्ड ये जाना है, तो इसके बाद आप अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे कंप्लीट। और एड्रेस के बाद आगे है एप्लीकेंट डिटेल, नेम ऑफ ट्रैवलर, यहाँ पे अपना फुल नेम आप डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, एज आपकी वो यहाँ पर डालेंगे, जेंडर यहाँ पर मेंशन करेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आपको कंट्री कोड यूज नहीं करना है, आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आपको एज इट इज यहाँ पर फिल कर देना है। गवर्नमेंट आईडी में आपके पास क्या है, क्या देना चाहते हैं आप, आपकी गवर्नमेंट आईडी जो यहाँ पर वैलिड है वो वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन या फिर अदर गवर्नमेंट आईडी, मान लीजिए आधार है तो आधार यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, आधार नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। और आपके मोबाइल पे जो आरोग्य सेतु है उसका कलर क्या है, ग्रीन है तो ग्रीन, अदर कलर है तो आपको अदर कलर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब मैंने ऊपर कार सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे व्हीकल नंबर, व्हीकल सीटिंग कैपेसिटी और नंबर ऑफ को ट्रेवलर्स, ये करके। अब आप देखेंगे कि जब नीचे आता है ना तो इन्फॉर्मेशन आपसे रुकने के लिए मांगी जाती है, और इसमें होटल ही है और होटल की बुकिंग आपको यहाँ पर रिसीव करनी है। तो मान लीजिए आप टूरिस्ट हैं तो आपने होटल बुक करवाना है, वो मिनिमम 2 डेज का है, वो आपको होटल आपने बुक करवाना, सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर नहीं आपने होटल बुक करवाया तो आपको टूरिस्ट कैटेगरी की बजाय है ना, आपको अगर आपके पास रहने का इंतजाम है तो आपको फैमिली और पर्सनल रीजन पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब आपका ये होटल वाला ऑप्शन आप देखेंगे नीचे नहीं है। ट्रैवलिंग प्लान के बाद आ रहा था 7th नंबर पे, अब नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर टूरिस्ट कर दूंगी तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा होटल का, ये देखिए 7th नंबर 6 के बाद यहाँ पर होटल और धर्मशाला का आ गया है यहाँ पर। तो जैसे भी आपके, अगर आपके पास रुकने का इंतजाम है तो आप प्लीज फैमिली और पर्सनल विजिट करें, नहीं है तो आप होटल जो 2 दिन की बुकिंग करेंगे वो यहाँ पर करनी है, कम से कम 2 दिन की बुकिंग दोस्तों आपको करनी है। अब आप पूछेंगे होटल ओपन हो गए हैं, होटल ओपन हो गए हैं, रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं, हालांकि अब सैटरडे संडे लॉकडाउन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो जिनकी शॉप्स वॉप्स बंद मिलती हैं, कुछ मंदिर हैं अभी भी जिसमें प्रॉब्लम होती है, जो अभी लगभग बंद है, तो वो आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप जो है ऑनलाइन आप विजिट कर लेना होटल बुकिंग के लिए। जब आप होटल बुक करेंगे तो आप एक बार कॉल करके जरूर पूछ लें, होटल, धर्मशाला, गुरुद्वारा, जो भी आप होम स्टे बुक करना चाहते हैं एक बार कॉल करके कंफर्म करके फिर आप होटल बुक करें तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर आपको जो भी आपने एड्रेस प्रूफ आपने ऊपर भरा, मान लीजिए मैंने भरा था आधार कार्ड, तो यहाँ पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी जाएगी और यहाँ पर आपके जो अपलोड करना है आपको वो आपको होटल की बुकिंग रिसिप्ट करनी है। उसके बाद आपको ये सारे टिक करने हैं कि आप डिक्लेयर करते हैं कि जो मोबाइल नंबर है वो आपका या आपकी फैमिली में ही है, वैलिड है और एक्टिव है, आपने एसओपी पढ़ ली है अनलॉक 4 की,
आप डिक्लेयर करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो एक्यूरेट है, करेक्ट है, और आपको क्वारंटीन होना पड़ सकता है डेटेड 1 सितंबर के अकॉर्डिंग। आप में अगर कोई भी सिम्टम दिखेंगे तो आपका COVID-19 टेस्ट हो सकता है, आपको कोल्ड है, फीवर है, तो आपका हो सकता है टेस्ट, और उस केस में आपको क्वारंटाइन भी किया जा सकता है, उस बात के लिए आप तैयार रहें। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेटिव इज फाउंड फॉल्स एज टेकन, अगर आपने कोई भी डिटेल दिया वो गलत पाई जाती है तो एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप पर लीगल एक्शन हो सकता है। एप्लीकेंट इज नॉट फ्रॉम कंटेनमेंट जोन, आप अपने सिटी, अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कंटेनमेंट जोन से नहीं आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर मैंशन करना है। और एप्लीकेंट जो है वो कंफर्म करता है कि उसको कोई भी सिम्टम नहीं है, लाइक फीवर है, ड्राई कफ है, ये सब नहीं है, और आरोग्य सेतु आप डालनी मैंडेटरी है, वो आप यस करेंगे, उसके बाद आप दोस्तों सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आएगा आप यहाँ पर आ जाएंगे पंजीकरण डाउनलोड करने पर। कौन से वाला आपने किया है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन, प्रवासी अन्य राज्य जाने के लिए नहीं, आपने उत्तराखंड आने के लिए किया है, तो यहाँ पर आप डाउनलोड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जो आपने मोबाइल नंबर एप्लीकेशन जनरेट करते टाइम डाला है वो आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपके पास आपका ई पास ओपन हो जाएगा। तो अब टूरिस्ट जो है वो सिर्फ उनको ई पास ही बनवाना है, अब कोई भी COVID-19 रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है, तो आप बेझिझक आके उत्तराखंड आ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने यही आपको कोशिश की है कि ये सारी जानकारी, और ये मैंने पूरा आपकी ऑफिशियल जो है उत्तराखंड टूरिज्म का, मैंने वहीं से ये इन्फॉर्मेशन उठाई है, तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, आज ही आई है 2 घंटे पहले। तो अगर आप कोई भी प्लान कर रहे थे और COVID-19 रिपोर्ट के कारण आप झिझक रहे थे, तो अभी आप अपना प्लान बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई नॉलेज के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जो उत्तराखंड आने का प्लान बना रहे हैं उनको एक गाइडलाइंस मिले और वो लोग भी उत्तराखंड आ सके। और उत्तराखंड क्योंकि एक ऐसी स्टेट है जो टूरिज्म पर ही चलता है, तो टूरिस्ट के लिए उनको रेस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ी, और टूरिज्म जितना आएंगे लोगों को यहाँ पर उतना फायदा होगा। तो आप ये वीडियो और लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।